नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो को ही लेके। पिछले वीडियो में मैंने रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहे थे उसका कारण बताया था कि किस कारण से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, और उसमें नाटो की बात की थी, नाटो का एक्सपेंशन जो हुआ है उसके पे ऊपर बात की थी, और रशिया नहीं चाहता कि नाटो के जो लोग हैं या नाटो की जो देश हैं वो रशियन बॉर्डर के और से और करीब होते जाए। टर्की की बात की थी, यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है और जॉर्जिया भी शामिल होना चाहता है, तो मैंने जॉर्जिया की भी बात की थी कि वहाँ पे भी युद्ध हुए थे रशिया के साथ। आज मैं फिर आपके सामने रशिया की जो रीजन है, सॉरी रीजन तो मैंने बता दिए, लेकिन रशिया की जो मेंटालिटी है, पर्सपेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है, वो किस मतलब कारणवश इस नतीजे पे पहुँचे कि उनके पास और कोई चारा नहीं रहा और युद्ध वो आखिरी चारा बचा था, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था आप, ये गूगल अर्थ पे ये जो पहले के जो सोवियत के मेंबर थे, सोवियत यूनियन जहाँ पे जहाँ तक स्प्रेड था, वो सारा जो देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सारे देश नेटो में सम्मिलित हो चुके हैं। यूक्रेन भी होना चाहता है। तो नेटो रशिया ने इन सारे देशों पे अटैक नहीं किया, लेकिन यूक्रेन एक स्पेशल केस बन चुका था जिसके कारण रशिया को लगा कि वो अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा। तो एक तो मैंने ब्लैक सी के बारे में बात की थी क्योंकि इस्तांबुल के पास एक छोटा सा पैसेज है जिसके थ्रू आप मेडिटेरियन सी से लेके आप ब्लैक सी में एंट्री कर सकते हैं, जो अटलांटिक से होते हुए आप इस तरफ आ सकते हैं। तो उसके कारण होता क्या कि यहाँ पे यूएस के शिप्स, यूके के शिप्स, फ्रांस, जर्मनी, इन सारे शिप्स का यहाँ पे आना जाना होता। टर्की भी चूंकि नाटो का मेंबर है तो ये पूरा इलाका डोमिनेटेड बाय नाटो मेंबर्स, तो इसीलिए रशिया ने स्ट्रैटेजिकली एक काम करते हुए क्रीमिया को अपने में 2014 में एनेक्स कर लिया था। अब इसका भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि 1954 में क्रीमिया को उस समय की जो सोवियत लीडरशिप थी उन्होंने अपने मतलब एक गुडविल जेस्चर के रूप में यूक्रेन को ट्रांसफ़र किया था, और जैसे यहाँ पे बताया है, लेकिन 2014 में फिर एनेक्स कर लिया। मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर बताऊं कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी रशिया ने इस टेरिटरी पे, इस इलाके पे अपना एक क्लेम नहीं किया था, और पुतिन के आने के बाद, क्योंकि पुतिन बहुत पहले से रशिया में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए चले आ रहे हैं, और उन्होंने 2014 से पहले ऐसी कोई बात, कोई क्लेम किया नहीं था और इस पे कोई अपना ये अधिकार नहीं जताया था, लेकिन 2014 में ही ऐसी क्या बात हुई, या 2014 से पहले एक साल दो साल पहले ऐसी क्या बात हुई कि रशिया को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। दूसरा मैंने डॉनबास की बात की थी, ये जो पूरा इलाका पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये लुहांस्क और जो डोनेस्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है, अर्बन सेंटर है, इस पे भी रशिया ने समर्थन दिया था रिबेल को, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रशियन समर्थित ज़्यादा है मेजोरिटी में। तो यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था बहुत सालों से यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ के जो रिबेल ग्रुप है उनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की थी यूक्रेन, और रशिया आपस में बातें भी की थी, उन्होंने एक थर्ड पार्टी को लेके जो ऑब्जर्वर का काम करता था ये मिन्स्क में जो बेलारूस में, वहाँ पे दोनों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, और इसीलिए वहाँ उस मध्यस्थता को मिन्स्क ट्रीटी वन कहा जाता है, जिसमें एक जो मेन बात थी वो सीज फायर की बात थी, जो यहाँ पे इस इलाके में सीज फायर की बात चली थी वो फेल हो गया। उसी बाद फिर कोशिश की गई मिन्स्क ट्रीटी टू को लेके, वो भी सीज फायर को लेके ही था लेकिन वो भी फेल हो गया। आखिर में रशियन फेडरेशन ने इस इलाके को ही दो रिपब्लिक में बांट दिया, दो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक स्टेट्स के रूप में इसकी पहचान अपने गवर्नमेंट में कर ली थी, अपने जो पार्लियामेंट है या जो भी कहें। अब यहाँ पे अगर देखें तो रशिया का जो अटैक है वो पूरे ईस्टर्न यूक्रेनियन बॉर्डर को लेके है, साथ में यहाँ पे ओडेसा भी है,
यहाँ पे भी रशियन नेवी है, पूरा कंट्रोल कर लिया। ओडिशा यूक्रेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी रहा है। तो अब बेलारूस से भी रशिया अटैक कर रहा है, बेलारूस से इसीलिए क्योंकि उनका तो एक मिलिट्री अलायंस है, साथ में कीव जो है वो भी यूक्रेन का कैपिटल सिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे से अटैक चालू हुए। अगर हम यहाँ पे मैप देखें, ये बीबीसी का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो सारे मिलिट्री जो ऑपरेशंस है रशिया की तरफ से, जो इन्वेजन के हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है कि ये एक कन्वीनियंस है कि बस बॉर्डर पे है इसीलिए अटैक करें। नहीं, एक और बात यहाँ पे ये है कि रशिया चाहता है कि ये जो रिवर आपको दिख रही है जो नॉर्थ से साउथ यूक्रेन की तरफ बहती है, इसको डेनिपर रिवर कहा जाता है। और डेनिपर रिवर में जो यहाँ पे है, इस यहाँ पे ठीक से दिख रहा है ये नाम आपके सामने, तो ये जो डेनिपर रिवर है इसको लेके रशिया चाहता है कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए जो कि ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन को अलग करके रखा है। तो ये एक तरह से जर्मनी में जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की एक सिलसिला चला था, जो ईस्ट जर्मनी सोवियत कंट्रोल में था और वेस्ट जर्मनी नाटो या यूएस के कंट्रोल में था, उसी तरह ये भी चाहता है। इससे होगा क्या कि रशिया की तरफ से एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ये बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके कारण अगर वेस्ट यूक्रेन नाटो के साथ जाता भी है तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये, क्योंकि बॉर्डर जो है वो रशिया से दूर रहेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न यूक्रेन में रशिया ने कोई भी हमला नहीं किया, चाहे वो एयर अटैक हो या मिलिट्री मतलब लैंड मिलिट्री है वो, इस तरह से कोई भी अटैक, ये जितने भी मैप है आप सब में देख सकते हैं कि रशिया ने कहीं भी उधर से अटैक करने की कोशिश नहीं की है। तो ये यहाँ पे एक कारण है। और दूसरा जो है, एक और बात है कि व्हाट पुतिन वांट्स, यहाँ पे व्हाट डज पुतिन वांट, रशियन प्रेसिडेंट्स डिमांड एक्सप्लेन्ड एज ट्रूप्स मूव इनटू यूक्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप है, ज्वाइन नाटो बिफोर 1997, तो नाटो जो अलायंस थी वो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाई गई थी एक तरह से, उसको अपोज या डिफेंड करने के लिए, कि सोवियत के अगेंस्ट, सोवियत के फोर्सेस के अगेंस्ट एक अलायंस थी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस, कनाडा और बाकी जो वेस्टर्न यूरोप के दो देश थे, उसमें टर्की भी शामिल है, वो सारे देश इसमें आए थे, जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ये सारे देश थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा था तो सोवियत की जो उस समय की लीडरशिप थी उन्होंने ये कहा था कि अब हम अपना जो टेरिटरी है वो दे रहे हैं, जो एस्टोनिया, ये लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये सारे जो देश हैं इस पे नाटो कब्जा नहीं करेगा, ये एक बफर स्टेट का काम करेगी, जिससे जो नाटो जर्मनी को बाइफरकेट यूनिफिकेशन जो हुआ था बाइफरकेशन के बाद, उसमें यही बात हुई थी कि नाटो का एक्सपेंशन बस इतना ही रहेगा, और ये सारे जो स्टेट्स हैं जो सोवियत यूनियन से टूटे हैं वो एक तरह से बफर स्टेट का काम करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नाटो ने अपना एक्सपेंशन चालू कर दिया। अब आपको कहेंगे कि एक्सपेंशन से क्या होता है, एक्सपेंशन से ये हुआ है कि जो रशिया है वो तो पीछे का पीछे हटता चला गया, लेकिन जो ये सारे देश थे इस पे, जैसे आप जो नाटो की मिलिट्री है वो वहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन, अपने आर्म्स, अपने वेपनरी वहाँ पे रखते हैं, जैसे कि पोलैंड में कहा जाता है कि वहाँ पे डिफेंस सील्ड है अमेरिका की, वैसे ही टर्की में न्यूक्लियर बेस है यूएस का, यूक्रेन में भी वो चाहते थे। तो यूक्रेन का जो मेन मुद्दा है वो ब्लैक सी है, और यहाँ पे इसीलिए बहुत बड़ा एक बॉर्डर है जो रशिया के साथ है, और साथ में मॉस्को भी है वो काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए ये 300 to 350 किलोमीटर्स का बताया जाता है यहाँ पे रास्ता। तो इसीलिए जो बात है कि रशिया के लिए यूक्रेन को नाटो में जाना अनएक्सेप्टेबल था, ये रशियन पर्सपेक्टिव है। और मैंने यूएस के बेसिस की भी बात की थी, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ यूएस बेसिस है, मैंने ये भी बात की थी कि साउथ कोरिया और जापान में भी यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस, तो रशिया दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसीलिए रशिया की तरफ से ये बात हुई कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और वहाँ पे जो यूक्रेन की जो बात ये है,
पॉलिटिकल पार्टी है वो समझने को तैयार नहीं है और वो उनका झुकाव वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक और बात है कि मैंने कलर रेवोल्यूशन के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी, जो 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से यूक्रेन में शुरू हुआ था, जिसमें कि वेस्टर्न जो अपने इन्फ्लुएंस है वो यूक्रेन में बढ़ाते चले गए और उसका जो एंड नतीजा हुआ था वो यूरो मैदान था। यूरो मैदान में जो पब्लिक थी यूक्रेन की, वो सारी बहुत सारी पब्लिक सड़क पे आ गई थी, क्योंकि वो एंटी रशियन उनका सेंटिमेंट था और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो रशियन थी, तो उनको बैकअप करने के लिए भी नाटो के फोर्सेस या वेस्टर्न जो फोर्सेस थे वो अपने मनी पावर, इन्फ्लुएंस, अपनी जो भी उनके ओलिगार्क, जो यूक्रेनियन ओलिगार्क, उनके साथ मिलके इन सबको बढ़ावा देते देते जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी यूक्रेन में उसको गिरा दिया। फिर इसी तरह होते होते जेलेंस्की आया। जेलेंस्की पहले कॉमेडियन थे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक प्रोफेशनल कॉमेडियन थे, उनके शोज भी टीवी पे चलते थे। ये अचानक से यूक्रेन के प्रेसिडेंट कैसे बन गए, क्योंकि इनका कुछ खास ये नहीं था उससे पहले, पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं था। उन्होंने कोई पॉलिटिकल रैलीज भी नहीं की, फिजिकल रैलीज जैसे सभा होती है या फिर लोगों से मिलना जुलना होता है, स्पीचेज होती है, वैसा कुछ नहीं किया इन्होंने। बस जो वर्चुअल मीटिंग्स थी, वर्चुअल जो होता है उसके थ्रू ही उन्होंने अपना सारा कैंपेन चलाया। इवन कि अपने मीडिया के थ्रू ही एक्सक्लूसिवली, वो दूसरे जो मीडियाज थी यूक्रेन की उन पे भी नहीं जाते थे, लेकिन होते होते इन्होंने, इनकी बैकिंग जो थी वो यूक्रेनियन ओलिगार्क जो वेस्टर्न मतलब समर्थित थे, सपोर्टेड थे, उनके थ्रू होते इन्होंने एंटी रशिया जो एक सेंटिमेंट था इसको एक्सप्लॉइट किया और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। इसी तरह जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने और ये यूक्रेन धीरे धीरे नाटो की तरफ शिफ्ट होने लगा था। अब कहेंगे कि इसमें रशिया का सबसे बड़ा ये है, पंगा है, ये एक रशिया के जैसे जो वेस्ट के मीडिया में या एकेडमिक्स में या वहाँ के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जो भी है उनके तरफ से ये बार बार कहा जाता है, ब्लेम दिया जाता है कि ये रशिया का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। पुलिस अपना, पुतिन जो है वो अपने फिर से सोवियत यूनियन की जो पूरा ये एक बॉर्डर एक्सटेंड था उसको रिवाइव करना चाहता है और ये सारी बातें। लेकिन आप यहाँ पे एक बात जरूर देखें कि रशिया ने एस्टोनिया पे अटैक नहीं किया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, इन सब पे अटैक नहीं किया। ये सारे पहले कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब पे भी रशिया ने हमला नहीं किया। ये तो आराम से, क्योंकि रशियन स्फीयर में है और इनको हमला करने की भी जरूरत नहीं। अगर ये कहेंगे भी तो सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट या लीडरशिप है वो प्रो रशियन लीडरशिप है। लेकिन ये सारा कुछ ना करते हुए वो यूक्रेन पे ही क्यों अटैक कर रहे हैं? तो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का तो नतीजा हमको दिखता नहीं है। जॉर्जिया पे भी अटैक किया था, यूक्रेन पे भी अटैक किया। तो ये जो जॉर्जिया और यूक्रेन पे के टेरिटरीज जैसे क्रीमिया और यहाँ की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट थी इस पे रशिया ने कब्जा जमा लिया, उसका एक स्ट्रैटेजिक रैशनल ये है कि यूक्रेन नाटो में एक क्लाउज है, अगर आपकी जो पोटेंशियल मेंबर्स हैं उनके टेरिटरीज पे किसी और देश का कब्जा है तो वो फिर नाटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजिक मूव थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रशियन पर्सपेक्टिव है उसमें ये सब बातें थी कि रशिया ने बार बार वार्न किया था, बार बार वार्न किया था, इसलिए 2013 के मैदान के बाद, यूरो मैदान के बाद ही उन्होंने ये सारा एक्टिविटी शुरू किया, जैसे कि एनेक्सिंग क्रीमिया या ये इस जो इलाके में डॉनबास में गृह युद्ध करवाना या फिर अब मिलिट्री अटैक। अब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री देख लें, ये रशियन मैटर्स पे एक एनालिसिस है जो बहुत काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक एनालिसिस काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताएगी, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि सोवियत यूनियन जब टूटा था तो उनकी जो लीडरशिप थी, जैसे मिखाइल गोरबाचेव जो लास्ट सोवियत लीडर थे, उन्होंने कहा था कि नाटो की जो रिलेवेंस थी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन तो वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए नाटो को
रशिया को अपने में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यही बात फिर बोरिस येल्सिन ने भी कही थी और यही बात सरप्राइजिंगली व्लादिमीर पुतिन ने भी कही थी। लेकिन जो वेस्ट था वो एक तरह से मिस्ट्रस्ट करता है पुतिन को भी और उनसे पहले के भी जो लीडर्स थे, क्योंकि रशिया पुतिन जो है वो केजीबी लीडर रह चुके हैं, केजीबी एजेंट रह चुके हैं। तो इसीलिए जो वेस्ट का जो एक ट्रस्ट इशू है वो रहा ही, कोल्ड वॉर मेंटालिटी भी रही, जारी रही। तो पुतिन ने तो ये भी कहा था कि हमें यूरोपियन यूनियन में भी शामिल कर लिया जाए, हमें ईयू में नाटो में भी शामिल कर लिया जाए। उनका कहना है कि रशिया जो है वो कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या हिस्टोरिकली भी जो यूरोप के ज़्यादा सिमिलर है बजाय कि ईस्ट में, जैसे चाइना हुआ या जापान, इस तरह के जो देश हैं, तो इसलिए रशिया को यूरोप में ही मान लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे मैंने बताया कि ट्रस्ट इशू है। तो इसीलिए ये सारी बातें देखते हुए, सारे वार्निंग्स जो थे रशिया की तरफ से दिए गए थे उसको इग्नोर होता देखते हुए रशिया ने फाइनली युद्ध घोषित कर दिया। अब उनका कहना है कि युद्ध उसी समय वो रुकेगा जिसमें उनकी चार मांगे जो हैं, चार कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होंगी। पहला कंडीशन सीज मिलिट्री अलायंस एक्शंस, तो वही जो मैंने बताया था कि जो यूक्रेन में यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, मिन्स्क जो ये है मिन्स्क ट्रीटी, उसको अप्लाई किया जाए और वहाँ पे मिलिट्री एक्शन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए यूक्रेन के ईस्ट वाले रीजन में, यानी डॉनबास का जो रीजन है, जिसको ये लुहांस्क और डोनेस्क जो दो शहर हैं। चेंज इस कॉन्स्टिट्यूशन टू इंस्ट्राइन न्यूट्रैलिटी, तो वही बात है कि ये अपने आप को बफर स्टेट रखे, ये नाटो में शामिल ना हो, और क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है रशिया के साथ, तो इसीलिए ये न्यूट्रल रहे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान रखे कि ये नाटो में कभी शामिल नहीं होगा। तीसरा जो था, एक्नॉलेज क्रीमिया एज रशियन टेरिटरी, तो ये जो क्रीमिया है इसको भी रशिया अपनी टेरिटरी मनवाना चाहता है यूक्रेन से। और चौथा जो है, रिकॉग्नाइज द सेपरेटिस्ट रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, तो जैसे मैंने बताया था कि रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क और रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क ये दोनों रशियन फेडरेशन या रशियन गवर्नमेंट ने मान लिया है, तो यूक्रेन को भी चाहते हैं कि वो माने। एक पांचवा भी है जिसमें पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि वो डिमिलिटराइज तो करेंगे ही न्यूक्लियर यूक्रेन को, साथ में डीनाजीफाई भी करेंगे। डीनाजीफाई का एक अलग पहलू है जो मैं किसी और वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो आज का जो है बात यही तक मैं सीमित रखता हूँ, ये रशियन नज़रिया है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, आपके मतलब आपकी जो थिंकिंग है उसमें ये कुछ बदलाव लाता है, या फिर आपको लगता है कि ये सब झूठ है या प्रोपेगेंडा है जैसे वेस्ट में कहा जाता है? तो अपने विचार मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में मैं ये कहूँगा कि वीडियो मैं काफ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और व्यूअरशिप बहुत कम है, तो ज़रूर प्लीज़ इस वीडियोज़ को जो है वो स्प्रेड करें, और मैं और आपके सामने इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।